लेकिन हमारे महिषी प्रखंड के एक ऐसा चोर अंचल अधिकारी यहाँ पदस्थापित है आज 3.5 साल से, जिसने इस प्रखंड को बर्बाद करने का काम किया। इस सर्वप्रथम तो हम लोगों को अपने माध्यम से गरीब गुरबा की लड़ाई को लड़ते हैं। थोड़ा इंटरव्यू हो रहा है इसलिए 2 मिनट क्षमा चाहेंगे। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, तो इतना सुदूर प्रखंड महिषी प्रखंड में आप आए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद है। और आज का जो धरना का कार्यक्रम है, ये आज का जो धरना का कार्यक्रम है, तो सरकारी खजाना का यदि कोई सबसे पहला व्यक्ति हकदार होता है, जो आपदा से प्रभावित होते हैं, वो सबसे पहले उनका अधिकार होता है। लेकिन हमारे महिषी प्रखंड के एक ऐसा चोर अंचल अधिकारी यहाँ पदस्थापित है आज 3.5 साल से, जिसने इस प्रखंड को बर्बाद करने का काम किया, इस प्रखंड के गरीब गुरबों को ठगने का काम किया। और आज इस बाढ़ प्रभावित इस आपदा की घड़ी में भी कोसी के लोगों को उन्होंने ठगने का काम किया और बार बार अपने ही रिपोर्ट को बदलने का काम करते आ रहे हैं। और जिस कारण से यहाँ के गरीब वंचित और बाढ़ से प्रभावित जितने भी व्यक्ति हैं, वो GR सूची से आज तक वंचित है। और हमारे 11 में से 7 पंचायत को आज भी जी बांध के बीच में अवस्थित है। अब आप ही बताइए, पानी यदि 4 पंचायत में घुसा तो क्या 7 पंचायत छूट गया? तो इन्होंने ऐसा काम, घृणित काम किया है, इन्हें जनता कोसी की कभी माफ़ नहीं करेगी। और हम बिहार सरकार से और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि महिषी प्रखंड के 11 पंचायत जो बांध के अंदर अवस्थित है, उसको जो है पूर्ण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करें। और 4 पंचायत जो हमारे बांध के बाहर है, जिनका आंशिक 4-5 वार्ड करके जो बांध के भीतर अवस्थित है, उसे भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में शामिल करके और अविलंब हम लोगों को GR राहत जो है गरीबों को सहायता प्रदान की जाए। सीओ साहब को चोर बोलना डर नहीं लगता आपको? बिल्कुल बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं चोर नहीं, मैं आला अधिकारी के सामने दर्जनों कर्मचारी और मुखिया यहाँ उपस्थित है, उन्होंने उनके गलती पे मैंने चोर बोला। उन्होंने बिहार सरकार के जमीन को बेचने का काम किया है महिषी प्रखंड में, मैं साबित कर दूंगा। मैं उसके पर वैसे पदाधिकारी पे, जिला पदाधिकारी और आदरणीय बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि उनके क्रियाकलाप के महिषी प्रखंड के जाँच किया जाए, तो उन्हें हथकड़ी पहनने से कोई रोक नहीं सकता है। हम ग्राम पंचायत बीरगांव के मुखिया प्रतिनिधि देख सकते हैं और भारी संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं, एक ही मांग है कि यहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित परिवारों को जो सहायता राशि दी जाती है, वो इन 11 पंचायतों को वंचित रख दिया गया, जिसके विरुद्ध में आज महिषी प्रखंड साथियों नई पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, मैंने पहले भी कहा आम गरीब आपके भी अनवरत संघर्ष करने वाले रास्ता पर हमारे घर बोल के न छे, हमारे बेटा ई पुतो ई पोता पर का डूब गेले, नै के पैसा छे से केस करती है, हमारा रास्ता बंद करे छे। गांव समाज के साथ में पूछ ली